गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अबाउट क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा. Now we need to move further and discuss our today's topic, that is other modes of nutrition in plants. क्या plants में autotrophic nutrition के अलावा कुछ और तरीके के nutrition भी देखने को मिलते हैं? So just think about that. Students, as you know that chlorophyll is essential, very essential for the process of photosynthesis. क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा सो हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, हाउ कैन प्रिपेयर देयर फूड, कैसे करके वो फूड बना सकते हैं अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगा? और क्या सब प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता होगा? सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता सो हाउ डू दे प्रिपेयर देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कैसे खाना बनाएंगे? ओके, सो ऑब्वियसली बात है, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स. ह्यूमंस के जैसे एंड एनिमल्स के जैसे उन प्लांट्स को भी डिपेंड होना पड़ता है अदर प्लांट्स पे, जो कि खुद अपना खाना बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं. तो ऑलमोस्ट जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज, अगर पूछा जाए कि क्या जो लीव्स जो है वो ग्रीन नहीं है तो क्या उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं है? ऐसा नहीं है. ज़्यादातर लीव आपने देखी होगी रेड कलर की होती है, ब्राउन कलर की भी होती है. सो ऐसा नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल का पिगमेंटेशन ना हो. उनमें पैचेस होते हैं ग्रीन कलर के, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सारे जो ऐसा नहीं है कि उनका कलर अलग है, ग्रीन नहीं है तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो. ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स का कलर डिफरेंट होता है बट दे हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम. ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं. सो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही प्लांट्स जो है, उनमें से कुछ प्लांट्स भी कैसे होते हैं, कुछ यहाँ एक्सेप्शनल होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, उनकी कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको बताया था कि वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड पर्पसेस के लिए. तो इस तरीके के प्लांट्स में किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट. जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे थे हमने बोला वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड जो उनमें न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, राइट? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अदर प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन करेंगे? वो करेंगे आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो ऐसे प्लांट्स क्या होंगे, इनकी कैटेगरी भी डिवाइड करी है. सो दे आर पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकेंड वन इज सेफ्रोट्रॉफ्स, थर्ड वन इज सिम्बायोटिक, एंड फोर्थ वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैम वन बाई वन इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. फर्दर स्टडी में हम डिस्कस कर रहे होंगे इनके बारे में इंडिविजुअली. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. नोट डाउन इट इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग.